विद्रोह का मतलब चैनल की खबरें निरंतर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं। सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद यहां पर बेल आइकन आ जाएगा। बेल आइकन को दबाते ही विद्रोह की खबरें आप तक निरंतर पहुंचती रहेगी। नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं विदर्भ प्रभात लाइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बहुत ही शातिर आदमी है और वक्त आने पर यह हार्दिक पटेल जैसी मेरी ब्लू फिल्म की सीडी भी तैयार कर लेंगे, ऐसा सनसनीखेज आरोप लगाया है गोंदिया भंडारा के सांसद नाना पटोले। इन्होंने भाजपा की गलत नीतियों का विरोध करते हुए अभी हाल ही में सांसद पटोले इन्होंने भाजपा के सांसद पद से अपना इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद में अभी हाल ही में अमरावती जिले के परतवाड़ा शहर में वे पधारे थे। परतवाड़ा शहर में आयोजित एक पत्रकार परिषद में उन्होंने भाजपा व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन पर अपना निशाना साधा। मोदी इतना शातिर आदमी है, तुमने जो बात किया कुछ दिन के बाद जून जुलाई तक वो दाऊद भी आ जाएगा देश में और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो एक आध नोट पे भी आ जाएगा। नोट तो जैसे अपन बचपन में बिस्किट के नोट रहते थे ना, अपने चलते थे अपन लोग, वैसे नोट बना रहे हो। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो डाल देगा एक आध नोट पे, तो वो कुछ भी करेगा। विरोधात जाणाऱ्या आमदार खासदारांवर भाजप सरकार आयटीच्या धाडी करतात, आपल्याला काही भीती वगैरे वाटत नाही का याच्याबद्दल? तो मी तिथे सांगितलं की मेरा तो ये लालू यादव और भुजबल नहीं कर सकते, वही अपना हार्दिक जैसे एखादा ब्ल्यू फिल्म तो एक्सपर्ट है बोललेला। आता तुम्ही बघा ना, तोगड्या तेच लाईन बोलतोय संजय जोशीची, संजय जोशी का बनाया सारा बोगस तो वैसे मेरा भी बना रही है। मी तुम्हाला सांगतो हे एक्सपर्टच आहेत तसे। आता ही तोगडिया याच्या नंतरचा पुरावा काय पाहिजे हो तुम्हाला? तोगडिया आणि नरेंद्र मोदी सोबत काम केलेले लोक आहे, संजय जोशी आणि नरेंद्र मोदी सोबत काम केलेले लोक आहेत। संजय जोशी मागं पडलेला होता त्यावेळेस, काय नरेंद्र मोदी राज्याचा मुख्यमंत्री होता, देशाचा प्रधानमंत्री आणि तोगडिया, याच्यापेक्षा अजून काय विश्लेषण आहे? लोकशाहीचं विश्लेषण करायला काय गरज आहे? आता मला सांग, जे वारंवार मी सांगतोय की लोकशाही धोक्यात आली, संविधान धोक्यात आले, केंद्र आपल्या सुप्रीम कोर्टाच्या जजेसनी बोलणं ते माझ्या जातीचे लोक नाही, माझ्या भाऊबंधन आहे, चार चार आहेत, एक राहिला तर तोही विषय राहिला। चार जजेस बोलत, तोगडिया बोलून राहिला आणि तो डायरेक्ट नाव घेतोय, मग आता याच्यापेक्षा काय? म्हणजे मी वेगळा पुरावा, माझं पॉलिटिकल तरी घेतील लोक, यायचा कोणतं पॉलिटिकल घेतील? तोगड्याला कोणती निवडणूक लढायची आहे त्या चार जजेसला? सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे आणि मोदी सरकारची, देशातल्या 90% लोकांना गरीब करा, त्याच्या मागचा उद्देशच आहे की या देशातल्या या व्यवस्थेला 90% व्यवस्थेला आर्थिक हँडिकॅप करा। जगाच्या इतिहासामध्ये पहिली घटना आहे, नुसत्या भारतातली नाही, सुप्रीम कोर्टाचे जजेस याप्रमाणे फेल गेला आपल्या राज्यामध्ये एकदा झालं होतं, देशात नाही। आणि जे न्यायव्यवस्थेमध्ये काही अडचण असेल तर जस्टिस लोया करून टाकायचं। आपण कालपर्यंत राजकारणातल्या लोकांना म्हणत होतो की साला खाजवला तर मी तुमचं भुजबळ करून टाकेल, नाही तर लालू करून टाकेल, आता तर न्यायव्यवस्थेला तुमचं जस्टिस लोया करून टाकेल, असंच होईल की नाही त्याचा अर्थ? मी महाराष्ट्रामध्ये तर एवढी बदमाशी केली आम्ही पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये, म्हणजे भाजपचे जेवढे राज्य आहेत देशामध्ये त्यांनी डिझेल पेट्रोलचे भाव कमीच केले नाही, ते उलटे वाढवले। आणि महाराष्ट्र सरकार तो उलटा त्याच्यामध्ये सांगते की दारूचे दुकान कोर्टांनी बंद केले म्हणून आम्ही डिझेल पेट्रोलचे भाव वाढवले। म्हणजे मग राज्य सरकारने भगवान श्रीरामाच्या नावानं आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने हे सत्तेत आले, तर मग दारू विकून तुम्ही राज्य चालवणार का? आणि 50 रुपये पर लिटर वर आम्ही डिझेल पेट्रोलवर जास्त घेतलं, पर लिटर 50 रुपये। इंटरनॅशनल बाजारामध्ये जे काही कच्च्या तेलाचे भाव कमी झाल्यानंतर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाल्याच्या नंतर जे काही रेट डाऊन झाले, आणि नरेंद्र मोदीजींनी त्या काळामध्ये सांगितलं की मी नशिबवान आहे, मी सत्तेत आल्याबरोबर कच्च्या तेलाचे भाव कमी झाले आणि मी नशिबवान आहे, म्हणजे तू नशिबवान आहे, नशिबवान आहे म्हणजे याचा अर्थ काय? राज्याची जनता, देशातली जनता नशिबवान नाही का?
तुम्ही रेट कमी करायला पाहिजे. 50 रुपयांनी अगर कमी केलं तर लोकांचा पैसा किती अरबो मिलियन डॉलर पैसा रोज केंद्राच्या तिजोरीत चालला ना जनतेचा. अभी देश का और राज्य की अगर दोनों स्थिति आप देखोगे तो केंद्र में सिर्फ प्रधानमंत्री देश चला रहा है. अभी राज्य में और केंद्र में भी आप देखोगे तुम्हारे जिले के पालक मंत्री को भी पूछोगे कि तुम्हारे अधिकार क्या है तो मैं मुख्यमंत्री से पूछ. ये तो पहले के यहां के पालक मंत्री को अगर पूछा तो ठीक है मैं करके लाता. आखिरी कांग्रेस और बीजेपी का अगर फर्क देखोगे तो बीजेपी में संविधानिक व्यवस्था को मानने की व्यवस्था नहीं है और कांग्रेस में ये संविधानिक व्यवस्था की मान्यता है. इसलिए कांग्रेस के जमाने की मैं तुम्हारे को दूर की नहीं बोलता, तुम्हारे जिले की पालक मंत्री की और पहले के और अभी के पालक मंत्री से बात करो तो तुम्हें दोनों फर्क समझेगा. तो जो आखिरी उनकी मानसिकता वो है ना कि हमें हुकुमशाही करना है. डेमोक्रेसी पे हमारा विश्वास नहीं है. भीमा कोरेगांव की जो घटना है ना उससे हम लोग सीख लेना चाहिए. भीमा कोरेगांव की घटना हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है. वो षड्यंत्र गए 6-7 महीने से शुरू था. उसको 200 साल पूरे होने वाले थे. इस साल 200 साल पूरे हुए तो वहां पे कई लाखों लोग वहां पे आने वाले थे. ये अंदाजा सरकार को भी था. जो लोग ये 6-7 महीने में जो काम कर रहे थे एक गोटे और भिड़े ये टीम जो काम करती थी वो टीम सरकार को पता था क्योंकि 6 महीने में इन लोगों ने क्या किया आजू बाजू के गांव में दुकानें बंद करवा दिया, पीने का पानी की व्यवस्था रुकवा दिया, सब बिल्कुल मैंने वहां पे एकदम व्यवस्था को तबाह कर दिया. इतनी बड़ी घटना वहां पे इतने सारे लाखों लोग आने वाले हैं तो राज्य के मुखिया उसके तरफ होम मिनिस्ट्री भी तो इतना दुर्लक्ष होना और इससे राज्य की कितनी बड़ी बदनामी होती. तो 98% लोगों को लड़ाओ और 2% लोगों को मजा करो ये उनका प्लानिंग था. लेकिन ठीक है लोगों में उतना तनाव नहीं हुआ, लोगों को समझ गया, लोग उसके बाहर आ गए. अगर लोगों में तनाव रह जाता तो आज अपना राज्य पूरा चलते रहता. इसका असर गुजरात में गया, इसका असर राजस्थान में गया, इसका असर मध्य प्रदेश में गया. ठीक है महाराष्ट्र में अंगार बुझ गई इसलिए बाकी राज्य नहीं चले. ये तो ये घर में अंगार लगी तो बाजू के घर में अंगार लगती ना. कि भाजप ही जी कई खेळी खेळल्या हे तर शिवसेना संपवण्याचीच खेळी खेळली मुंबई सगळीकडे. त्याच्यामुळे शिवसेनेचा कार्यकर्ता हा आडवा आहे आणि भाजपचा कार्यकर्ता हा डोक्याचा आहे. आता आडवा आणि डोकं याचं ताळमेळ कधी बनू शकत नाही असं मला वाटतं. जर मध्यावधी झाली आणि येणारा निवडणुकीचे निकाल काय पोचू पडते काँग्रेस. काँग्रेस स्वबळावर या राज्यामध्ये जिंकली. कोकणातली रणनीती कशी. कोकणात मी तुम्हाला सांगतो काँग्रेस एक नंबर आणि एक नंबरचा पक्ष आहे. इतका बदला आहे तुम्हाला आता म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो आम्ही तिथं उमेदवार पण जे आहेत ते आम्हाला अनुसार चेंज करून देणार आहोत आणि मोठा बदल तुम्हाला मिळेल. काँग्रेस एक नंबर आहे. सांसद नाना पटोले भाजपा व नरेंद्र मोदी इन पर अपना निशाना साधा साथ ही कांग्रेस की जीत 100% होगी ऐसा विश्वास भी बताया. तो इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. नमस्कार. मित्रों लाइव चैनल की खबरें निरंतर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं. सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद बेल आइकन आ जाएगा. बेल आइकन दबाते ही विद्रोह की खबरें आप तक निरंतर पहुंचती रहेगी.